नमस्ते स्वागत आपका इस वीडियो में तो बेसिकली हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया था आपका एलेक्सी का एनालिसिस जो किया था वो आज एक्सपेक्ट किया था मार्केट गिरेगा उसका स्टॉक गिरेगा तो वो गिरा हुआ है और रनिंग पावर का जो हमने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा तो सा प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव होगा तो वो हुआ है तो अभी आप हम बात करेंगे वेदांता के बारे में सो so, वेदांता का जो है हम टेक्निकल एनालिस करेंगे कोशिश करेंगे समझने का कि कैसा प्राइस मूवमेंट हो सकता है किस जगह पे हमें देखना चाहिए एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे लॉन्ग टर्म व्यू इसका लेंगे लॉन्ग टर्म व्यू लेने के बाद हमें देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था एक हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उसके बाद डाउन ट्रेंड होने के बाद भी जो है आपका यहाँ पे अप ट्रेंड आपका देखने को मिल रहा है सो प्राइस मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो कितना प्राइस मूवमेंट दिया था एक सौ बारह परसेंट इसने प्राइस मूवमेंट दिया था फिर आपका जब स्टॉक गिरा था इट वेंट अराउंड फिफ्टी थ्री परसेंट नीचे गिरा था अगेन जब भी उठा है तो नियर अबाउट ये थर्टी टू परसेंट उठा हुआ है सो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज इट इज़ लुकिंग क्वाइट डिसेंट अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है so, सो uh, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ आपका मतलब अप एंड डाउन मतलब पंप एंड डम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत हेवी डंप हुआ था यहाँ पे इससे आपका गैप डाउन होकर डंपिंग जो है और यहाँ पे गैप अप जो है मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है so सो अभी हम जो फिगर आउट करेंगे कि आपका जो है कौन से पॉइंट पे आपका ये सपोर्ट ले रहा है और उसको लॉन्ग टर्म बेसिस को लेकर हम समझेंगे वेदर इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन द शॉर्ट टर्म और नॉट इसके चार्ट को में देख के पता चल रहा है कि फिफ्टी डीएमए के ऊपर जो है ये आपका सपोर्ट लेता है एंड इज लॉट पोलटेल यहाँ पे भी फिफ्टी डीएमए के ऊपर आप मूवमेंट देख रहे हैं फिफ्टी डीएमए में आपका सपोर्ट लेके और जब आपका फिफ्टी नियर अबाउट मर्ज होने वाला है तो आपका फिफ्टी डीएमए जो है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है एंड उस पर मूवमेंट करता है देन इट फॉल्स डाउन देन इट गोज बैकअप फिफ्टी डीएमए फिफ्टी डीएमए फिफ्टी डीएमए फिफ्टी डीएमए आपका जो है पे सपोर्ट पॉइंट अगर यहाँ पे जो राइट हम देख रहे हैं फिफ्टी डीएमए के ऊपर जो आप राइट कर रहे हैं टू हंड्रेड डीएमए के नीचे अबाउट आपका अराउंड आई थिंक फाइव टू टेन परसेंट हाँ फाइव टू टेन परसेंट जो है आपका डिप दिखाता है फाइव टू टेन परसेंट आपका जो है वो डिप दिखाएगा आपको सो उसके बाद से जो है वो मूवमेंट होता है अगेन इस पॉइंट में जो है आपका कोई भी सपोर्ट नहीं दिया हुआ था बट देर वॉज आई थिंक फाइव का गैप आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइव टू टेन वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा सो so अगेन हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिफ्टी डी एम ए और यहाँ पे जो गैप बिटवी द फिफ्टी डी एम एंड टू हंड्रेड डी एम ए इज गोइंग डाउन और यहाँ पे जो है बाइंग uh, की तरफ यह जा रहा है सो देर माइट बॉइंट दैट कुछ पॉइंट के बाद जो है ये आई थिंक मे बी अ वी ऑसो ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा गिरेगा इट माइट गो डाउन सो अभी अगर ऑन एवरेज अगर हम देखते हैं इसके प्राइस मूवमेंट को कितना पंप या डंप किया जाता है सो so अगेन यहाँ पे आपन परसेंट अराउंड ट्वेंटी नाइन परसेंट एंड ऑल्सो इस पॉइंट से अगर हम देखते हैं सो नियर अबाउट एटीन टू एटीन परसेंट जो है आपका जो है ऑन एवरेज ग्रोथ होता है छोटा मोटा जो टिप हम देखते हैं मतलब जो ग्रोथ हम देख रहे हैं दैट इज़ अराउंड इलेवन परसेंट ऑल्सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव सो इसलिए आपको एक एवरेज पता चल गया कि जब भी इसका बहुत रैली होता है सो दैट ग्रोथ गोज अराउंड ट्वेंटी नाइन परसेंट टू थर्टी परसेंट एंड जब ये डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ देता है जब यह नियर अबाथ साइड मूवमेंट में रहता है सो इट गिवस यू अराउंड एलेवन परसेंट टू ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ है सो so, अभी हम यहाँ पे जो है मीडियम प्रॉफिट uh, अगर हम लॉन्ग करते हैं तो हम मीडियम हम देखेंगे हम पकड़ेंगे नाइन परसेंट और जो डिप होगा दैट विल बी अराउंड फोर टू फाइव परसेंट तो हमारे यहाँ पे जो स्टॉप uh, लॉस होगा दैट विल बी यू नो फोर टू फाइव परसेंट ऑफ आवर कैपिटल एंड आल्सो जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा दैट विल बी डबल ऑफ द लॉस यू नो द लॉस रिस्क दैट इज़ फोर टू फाइव परसेंट सो नियर अबाउट वी विल बी ट्राइंग टू बुक अ प्रॉफिट ऑफ एट टू टेन परसेंट जो हमारा प्रॉफिट है वो बुक होगा सो so अभी जो हम मूवमेंट देख रहे हैं सो गैपअप हो रहा है यहाँ पर हैवी बाइंग हो रहा है कुछ जगह पर हैवी सेलिंग भी हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्नीस जुलाई या छब्बीस जुलाई के बीच में हैवी बाइंग एंड सेलिंग हुआ है अगर हम यहाँ पर देखते हैं सो दे हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट जो हम यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे हल्का सा ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन सो अगर हम वीकली uh, अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं एक घंटे का सो so, आप जैसे देख रहे हैं मैंने लाइन खींचा उसी पे आपका सपोर्ट आ जाता है दिस इज द मैजिक ऑफ हाउ यू व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू अप लाइन खींचो के वहीं पे आपका जो है पॉइंट आ जाता है सो इच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग बट हमें क्यूमुलेटवि डेल्टा में हमें देखने को मिल रहा है दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय राइट नाउ देर माइट बी अ डिप विच इज कमिंग टू सो थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन होकर आप देख रहे हैं कि गैप डाउन होकर खुला हुआ था फिर अगेन देर वॉज बाइंग प्रेशर है टू हंड्रेड पे आपका थोड़ा सा हल्का सपोर्ट इसको मिलता है सो दिस इज अ गुड स्टॉक बट दिस इज़ वेरी वोलाटेल सो अगर आप इसमें जो मैंने आपको स्टॉप uh, लॉस या जो भी है मैंने आपको बता दिया प्राइस रेंज मैंने आपको बता दिया कितना आपका मूवमेंट होता है वो मैं आपको बता दिया एंड दैट्स अबाउट माय दैट्स अबाउट द फीडबैक ऑन बिदान था माय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय बाय